हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डार्क फैंटासी बिस्किट। ये खाने में बहुत यम्मी होता है और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि इस आपको इसको खाना चाहिए कि नहीं, ये आपके लिए कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, इसका क्या रेट है। और तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे डार्क फैंटासी चोको फिल्स, और ये किस कंपनी का बना हुआ है, इसका क्या रेंज है। और आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं डार्क फैंटासी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे ये है मेरे पास दो पैकेट डार्क फैंटासी चोको फिल्स और डार्क फैंटासी लग्जरिया। तो जो ये मेरे पास है, ये बड़ा पैकेट है और ये 60 रुपीज़ का आता है और इसके अंदर 6 पैक होते हैं 25 ग्राम का के जो बिस्किट हैं, और 150 ग्राम का टोटल है ये जो पैकेट है। और इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छे से की गई है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अट्रैक्टिव है ये जो पैकिंग है। ये देखिए 6 पैकेट होते हैं इसके अंदर, पैकिंग इसकी काफ़ी अच्छे से की गई है चोको फिल्स की। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अंदर से कैसा होता है। ये जो ये देखिए, सॉरी, ये मेरे पास छोटा पैकेट है और जो वो है लग्जरिया, वो मेरे पास बड़ा पैकेट है। मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। ये देखिए अंदर से ये इसकी पैकिंग इस तरीके की आती है, काफ़ी अच्छी पैकिंग की गई है, रेट भी अच्छा है इसका पैकिंग के हिसाब से। देखिए कितना अच्छा बिस्किट है, थोड़ा क्रिस्पी होता है ये, क्रंची। इसको हम तोड़ेंगे, देखिए ये क्रीमी होता है अंदर से, चॉकलेट भरी होती है इसके अंदर और खाने में काफ़ी क्रंची होता है और टेस्ट इसकी चॉकलेट है वो काफ़ी अच्छी लगती है। थोड़ी सी कड़वाहट हल्की सी लगती है मगर पता नहीं चलेगा आपको, खाने में यम्मी लगेगा। ये देखिए इसकी चॉकलेट काफ़ी अच्छी है, जो इसकी ये पैकिंग है मुझे काफ़ी पसंद है। डार्क फैंटासी चोको फिल्स ये सनफीस्ट कंपनी का है, ITC का बना हुआ है, तो ऑब्वियसली ये अच्छा ही होगा। और थोड़ा सा कॉस्टली है मगर आप अपने बेबी को इसको दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। और ज़्यादा तो ये सब चीज़ें खानी नहीं चाहिए क्योंकि इसे कैविटी का डर रहता है, क्योंकि इसमें चॉकलेट ज़्यादा भरी हुई है अंदर और काफ़ी क्रीमी है। ये देखिए थोड़ा सा मेल्ट भी हो जाती है ये, इसलिए इसकी पैकिंग भी इतनी अच्छे से की गई है कि ये खुले में ना रहे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब।